सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। मैं सुरजीत फिर से स्वागत करते हैं शिवम इलेक्ट्रिक में। आज मैं आप लोगों को क्रॉम्पटन गिब्स मिनीमास्टर 2 वाटर पंप रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और बिना स्किप किए फुल वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में फुल डेटा आप लोगों को शेयर कर दिया है। आप लोग अगर स्किप करके चले जाएंगे तो डेटा नहीं मिल पाएगा। देखिए, रनिंग कॉइल हो रहा है। इसमें दो बैच होंगे और पार बैच में 4 कॉइल करके होंगे, और ये 6, 8, 10, 12 घाट में बैठेगा। ऐसे करके मैं दोनों कॉइल को तैयार कर लेते हैं। 6 घाट में जो कॉइल बैठेगा, फर्स्ट कॉइल इसका टांस है 39, सेकेंड कॉइल का टांस है 52, थर्ड कॉइल का टांस है 77 और फोर्थ कॉइल का टांस है 82, और इसका वेट है 180 ग्राम। ऐसे करके मैंने दो बैच तैयार कर लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं, अब इसको बैठने की बारी है। देखिए, 6 घाट में फर्स्ट कॉइल बैठ रहा है। ऐसे करके मैं कॉइल को बैठा लेते हैं। और ये रनिंग कॉइल में 24 नंबर वायर का गेज दिया गया है। और आप लोगों को बता दूँ, ये हाफ एच पी मोनोब्लॉक पंप है और इसका कोल लेंथ है 50 mm, और इसमें स्लॉट्स है 24 स्लॉट्स, और ये 10 mAh कैपेसिटर से चलेगा और इसका RPM है 2780। देखिए, एक साइड का कॉइल बैठ गया है, अब दूसरी तरफ भी रनिंग कॉइल को बैठा लेते हैं।
देखिए दूसरी साइड का कॉइल भी बैठ के तैयार हो गया है। अब मैं स्टार्टिंग कॉइल को तैयार कर लेते हैं। देखिए ये जो स्टार्टिंग कॉइल हो रहा है इसमें भी चार कॉइल करके होंगे, ये भी 6-8, 10-12 घाट में बैठेगा। ये जो फर्स्ट कॉइल 6 घाट का हो रहा है इसका टांस है 28, सेकेंड कॉइल का टांस है 56, थर्ड कॉइल का टांस है 127, फोर्थ कॉइल का टांस है 139। ऐसे करके मैं दोनों तरफ का कॉइल तैयार कर लेते हैं। और स्टार्टिंग कॉइल का पार बैच का वेट है 115 ग्राम करके। ऐसे करके दो कॉइल होंगे और इसमें जो गेज दिया गया है वो 28 नंबर वायर का गेज दिया गया है। देखिए स्टार्टिंग कॉइल बन के तैयार हो गया है, अब इसको बैठने की बारी है। फर्स्ट कॉइल 6 घाट में बैठेगा और ये जो फर्स्ट कॉइल है ये रनिंग के सेकेंड कॉइल में बैठेगा, कॉइल के ऊपर बैठेगा। जो सेकेंड कॉइल जो 52 टर्न्स का था उसके ऊपर ये फर्स्ट कॉइल बैठेगा और सेकेंड कॉइल जब बैठेगा तब रनिंग कॉइल के फर्स्ट कॉइल जो 39 टर्न्स के थे उसके ऊपर बैठेगा। तो देखिए कैसे बैठते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग कॉइल का एक साइड का कॉइल बैठ गया है, अब दूसरा साइड का कॉइल बैठा लेते हैं। आप लोग देखते रहिए। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कीजिए।
देखिए अब स्टार्टिंग कॉइल बैठ के तैयार हो गया है। अब मैं लीड की उल्टी तरफ इसको मिलेक्स पेपर से सेपरेट करके इसको धागे से बांध लेंगे। देखिए अब लीड की तरफ भी ऐसे ही मिलेक्स पेपर से इसको भी सेपरेट कर देंगे, फिर इसका लीड को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद इसको भी धागे से बांध लेंगे। देखिए लीड ज्वाइन हो गया है। अब ये ज्वाइंट को मैं स्पॉट वेल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद ज्वाइंट को कवर करके ट्यूब से फिर मैं इसको भी धागे से बांध लेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।